नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र राजेपुर में बीते दिन हुई चोरी का खुलासा पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के द्वारा किया गया। जहर खुरानी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। 40 लाख के 6 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियां बरामद। दूसरे राज्यों में बेचते थे चोरी के वाहन। राजेपुर थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने जहर खुरानी गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए की कीमत के चोरी के 6 ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियों को बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से जानकारी जुटा रही है। राजेपुर थाने में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इसकी चोरी करता है और उसके बाद उनके 36 नंबर और इंजन नंबर चेंज करके नई आरसी जारी करवा के अन्य राज्यों में इसको बेचते हैं। और इसमें राजेपुर थाना के अंतर्गत एक मुकदमा पहले से भी दर्ज था जिसमें एक फैक्ट्री चोरी हुआ था। साथ ही साथ कमालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी फैक्ट्री चोरी का मुकदमा दर्ज था। साथ ही साथ उसमें जहरखानी भी हुई थी। इसमें सीओ अमृतपुर के नेतृत्व में एसओजी टीम, थाना राजेपुर की टीम और अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत जो अंतर्राज्यीय जहरखानी कर फैक्ट्री चोरी करने वाला जो गैंग है इनके 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ इनके पास से 6 चोरी के जो ट्रैक्टर हैं, साथ ही साथ 3 ट्रॉली वो बरामद की गई है। इनके 3 अन्य साथी हैं जो मौके से फरार होने में सफल रहे, उनके लिए भी टीम लगा दी गई है, उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। ये जो ट्रैक्टर हैं इनकी कुल कीमत करीब 40 लाख के करीब है और इन्हें जो ग्राम दहलिया के आगे इनका भट्टा है उसके पास से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें इन सभी अपराधियों की क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये बड़े शातिर अपराधी हैं। इनमें से कुछ मथुरा के रहने वाले हैं, कुछ कानपुर देहात के रहने वाले हैं, कुछ इटावा के रहने वाले हैं। और इसमें जल्द से जल्द पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में इस पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। एक कबाड़ी भी सर गिरफ्तार हुआ है, इसके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अन्य अभी जो लोग हैं जिसमें 3 फरार हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हो सकता है उसके अलावा भी अन्य लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हों जो आरसी बनवाते हैं, जो 36 नंबर और इंजन नंबर को चेंज करवाते हैं। तो जब अन्य 3 लोग गिरफ्तार होंगे तो उनके बारे में पता चलेगा, तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया अगर पुरस्कार दिया गया है इसके लिए इस कार्य के लिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।